नमस्कार लेम बनाने की श्रृंखला के आज 13वें दिन में हम ट्रंकेटेड क्यूब ऑक्टाहेड्रन लेम बनाने जा रहे हैं। इसकी अगर हम गणित की बात करें तो ये जो मेरे हाथ में जो लैंप आप देख रहे हैं इसको हम ट्रंकेटेड क्यूब ऑक्टाहेड्रन बोलते हैं, और ये जो लैंप बना है वो इस क्यूब ऑक्टाहेड्रन से मिलकर बना है, जिसे आप अभी इन दिनों ये काफी फेमस भी हुआ है दिवाली के कंदील के नाम से। इसके अगर, और ये भी एक आर्किमिडियन सॉलिड है, इसकी अगर मैं हर एक साइड को 1/3 हिस्से में डिवाइड कर दूं और फिर इसके हर एक कोने को कट कर दूं तो ये हमारा ट्रंकेटेड क्यूब ऑक्टाहेड्रन बन जाता है। और इसमें अगर हम देखेंगे तो 12 इसके अंदर जो कोने हैं वो कोने अब स्क्वायर फेसेस में बदल जाएंगे, क्योंकि अगर मैं ये कोने हटाऊंगा तो यहाँ पे मुझे एक स्क्वायर मिलेगा। और उसी तरीके से अगर ये जो ट्राइंगुलर फेसेस हैं उनको अगर मैं इस पे देखूंगा तो मुझे यहाँ पे एक हेक्सागोनल मिलेगा, तो ये 8 हेक्सागन मुझे मिलेंगे। और ये जो बड़ा आप स्क्वायर देख रहे हैं उनको अगर मैं इसे चॉप करूंगा तो यहाँ पे ऑक्टागन बन जाएगा, क्योंकि 4 साइड स्क्वायर की और 4 इसके ये कोने भी मिल जाएंगे, तो मुझे एक ऑक्टागोनल फेसेस मिलेगी। तो ये 6 हमें आप दिख पा रहे हैं, तो ये 6 ऑक्टागन हमें मिल जाएंगे। ये भी एक आर्किमिडियन सॉलिड है, तो इसकी अगर आर्किमिडियन सॉलिड की प्रॉपर्टी के बारे में हम बात करें तो इसमें भी आप देखेंगे कि सभी रेगुलर पॉलीगन से मिलके बने हुए हैं। तो ये जो स्क्वायर है ये भी रेगुलर है, हेक्सागन है वो भी रेगुलर है, ऑक्टागन है ये भी रेगुलर है, रेगुलर मतलब सबकी साइड बराबर है। और अगर हम इसके हर एक कोने पे देखेंगे तो वो एक ऑक्टागन मिल रहा है, एक स्क्वायर मिल रहा है, एक हेक्सागन मिल रहा है, और हर कोने पे आपको वही दिखेगा, एक ऑक्टागन, एक हेक्सागन और एक स्क्वायर। और यही खास बात है हमारे इन 13 आर्किमिडियन सॉलिड्स की। तो बल्ब लगाने की प्रक्रिया भी हम देख लेते हैं। ये मेरे हाथ में एक छोटा सा बल्ब है 15 वाट का, तो इसके लिए मैंने इसको एक छोटा सा तार भी है, तो इस तार को हम आगे जितना चाहे उतना बढ़ा भी सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या करा है कि एक फ्लिप को ओपन रख लिया है, और एक फ्लिप को ओपन रख के और इसके अंदर मैंने अपना बल्ब डाल दिया। और अब मैं चाहूँ तो ये जो कट मार्क्स आपको दिख रहे हैं इन किसी भी में कट मार्क्स से, तो जैसे देखिए ये इसके सेंटर में गोल दिख रहा है, तो उस गोल में से मैं अपने इस तार को निकाल सकता हूँ। अब मैं इस फ्लिप को गोंद से चिपका सकता हूँ। और कल का जो हमारा 30-30 स्टेम का जो प्रोग्राम है वो इन्हीं लैंपों पर आधारित है, तो इन लैंपों को अगर आपको और अधिक जानने के लिए जरूर जुड़िए दोपहर 2:30 बजे रविवार।